नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको M4 5G वर्सेस iQOO Z6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M4 5G में 6.45 इंच जबकि iQOO Z6 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो M4 5G में 2.99 इंच जबकि iQOO Z6 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो M4 5G में 0.35 इंच जबकि iQOO Z6 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M4 5G में 200 ग्राम जबकि iQOO Z6 5G में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही टिप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M4 5G में 1080x2400 और iQOO Z6 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M4 5G में 83.92% जबकि iQOO Z6 5G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M4 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iQOO Z6 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M4 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और iQOO Z6 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M4 5G में Mali G57 MC2 जबकि iQOO Z6 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M4 5G में MediaTek Dimensity 700 और iQOO Z6 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो M4 5G में 6GB की RAM मिलती है, जबकि iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M4 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो M4 5G में अप टू 512GB जबकि iQOO Z6 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M4 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iQOO Z6 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस
8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको M4 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें iQOO Z6 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में iQOO Z6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo iQOO Z3 5G है, दूसरा Samsung Galaxy A22 5G है, तीसरा Realme 8 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53s 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।